खाटू श्याम बाबा के दर्शन कीजिए। कहावत है कि जहाँ दुनिया में कहीं भी काम नहीं बनते हों, अगर खाटू श्याम बाबा जी के अगर शरण में आता है उसके कार्य ज़रूर सिद्ध होते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम बाबा का, और अब तो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं, सैकड़ों की संख्या में मंदिर होंगे। ये मैं शाहजहाँपुर आया हुआ हूँ, मेरा पैतृक स्थान। ये पूरी कॉलोनी मैंने आपको दिखाई अभी, यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराए। यहाँ के पुजारी जी, आपका शुभ नाम पुजारी जी? पाठक जी। तो आप हमें बताएंगे बाबा के बारे में, या आप हाथ में ले लीजिए, कि बाबा का क्यों इतना प्रसिद्ध है नाम, क्यों बाबा इतने सहज हैं जो हर एक को उपलब्ध हो जाते हैं? बाबा पांडव कुल से हैं, और जो भीम थे, भीम के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं, और इन्होंने भगवान विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को गुरु माना और विद्या ग्रहण की। उसके बाद में इनको वरदान मिला कि कहीं भी आप हारोगे नहीं। ये वरदान मिला, 3 बाण मिले इनको, और जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो ये भी युद्ध देखने गए, और वहाँ पे युद्ध देखते हुए ये भी, इनकी भी युद्ध की इच्छा हुई। उसके बाद सब लोग चकित हो गए कि ये कौन सा बालक है, ये बाल रूप में थे। फिर ऐसा हुआ कि भगवान आ करके और इनसे पूछने लगे कि क्या है, कौन है आप। इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और कहा कि अब भगवान विष्णु ने कहा कि आप किसके तरफ से लड़ना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा जो हारेगा उसका मैं साथ निभाऊंगा। इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु ने इनसे परीक्षा भी ली, उस परीक्षा में ये पास हुए। उसके बाद गुरु दक्षिणा में इनका शीश मांग लिया। ये इतने दयालु कि अपना शीश क्षण भर में उतार करके और भगवान को दे दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनको शीश के दानी के नाम से, हारे के सहारे के नाम से प्रज्वलित किया और वरदान दिया कि जितना जितना कलयुग का विस्तार होता चला जाएगा, उतना उतना आपका नाम होता चला जाएगा, और जो आपकी सेवा करेगा उसे हमारी शरण प्राप्त होगी, उसके सारे काम बनेंगे, जो काम नहीं बनने वाले होंगे वो भी बनेंगे। ये कहानी बाबा की। जी महाराज जी, एक बात ही बताइए, देखिए हर एक के लिए सहज नहीं होता मंदिर जाए दर्शन करे। ऐसा खाटू श्याम बाबा का कोई मंत्र, कोई ऐसी पूजा जो घर में कोई बैठ के, बच्चा भी बूढ़ा भी, हर इंसान, छोटे वर्ग का, बड़े वर्ग का, वो कर सके, ऐसा क्या है कोई मंत्र, कोई पूजा बाबा की जिसे कृपा मिले बाबा की? सबसे सरल और सबसे सुंदर मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी, ये हर कोई जप सकता है और हर कोई कर सकता है, इससे बाबा की संपूर्ण कृपा होगी। मतलब सहज मंत्र है, कोई बंधन नहीं इसमें, कोई प्रपंच नहीं, कोई कर्मकांड का लंबा चौड़ा विधान नहीं, उठते बैठते सोते जागते बाबा का ध्यान करे और मंत्र का जाप करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बाबा जी के दर्शन करें आपने, बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए, इतना सजीव रूप बहुत कम देखने को मिलता है, ये दिव्यता है प्रभु की। आप भी दर्शन कीजिए और आनंदित होइए। और मैं तो गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से यही प्रचार करता हूँ कि सब पे प्रभु की कृपा हो, और एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ कि पर्यावरण का ज़रूर संरक्षण करें। यहाँ के जो हमारे कॉलोनी के जो हैं उनसे भी कहूँगा कि बरगद के, पीपल के वृक्ष ज़रूर लगाए, क्योंकि वृक्ष से ही बनता है आश्रम। ये मेरा सबमिशन छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको प्रभु, सबके बाबा पे कृपा हो बाबा की।